हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी शब्द की रैंक कैसे निकाली जाती है, किस कंडीशन में, जब कोई भी अल्फाबेट रिपीट ना हो। जैसे कि ये जो एक शब्द है मदर, एक शब्द है रैंडम, एक शब्द है डेंजर, इन तीनों में कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा। अगर बात करें मदर वर्ड की तो इसमें एम जो है वो एक बार ही आया, रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे ही ओ भी रिपीट नहीं हो रहा, टी भी रिपीट नहीं हो रहा, एच भी रिपीट नहीं हो रहा, ई भी रिपीट नहीं हो रहा, आर भी रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे ही इसमें और ऐसे ही इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो, उस केस में रैंक कैसे निकाले ये आज हम सीखेंगे। और अगर अल्फाबेट रिपीट होता है तो उस शब्द की रैंक कैसे निकाली जाती है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा किस तरह से जाएगा, तो आपको मिलेगा शब्द मदर के अक्षरों को सभी संभव क्रमों में लिखकर इन्हें अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के क्रम में लिखा गया, तब शब्द मदर का क्रमांक क्या होगा, क्रमांक यानी रैंक। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो मदर शब्द है इसको थोड़ा खुला खुला लिखो, एम ओ टी एच ई और आर, ठीक है। और इधर आपको क्या करना होगा, ये जो मदर वर्ड है इसमें जो अल्फाबेट है ना उनको सीरियल से आपको अरेंज करना है। तो इनमें जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेटिकल, अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ई आएगा, इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनमें सबसे पहले ई आएगा ना अल्फाबेट क्रम में अगर लिखें इनको। फिर उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा, उसके बाद एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर R आएगा और फिर T आएगा। यहां पे आपको राइट साइड से फैक्टोरियल फॉर्म में काउंटिंग करनी है, जीरो फैक्टोरियल, यहां पे वन फैक्टोरियल, यहां पे टू फैक्टोरियल, T के नीचे थ्री फैक्टोरियल, O के नीचे फोर फैक्टोरियल, M के नीचे फाइव फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होते हैं, फाइव फैक्टोरियल जैसे है तो उसका मतलब है फाइव से और पीछे की तरफ वन तक मल्टीप्लाई, यानी फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, ये होता है फाइव फैक्टोरियल। ऐसे ही फोर फैक्टोरियल का मतलब है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, इसका मतलब टू इंटू वन, और वन फैक्टोरियल वन, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, ध्यान रखना, ओके। फिर आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये जो एम है, ठीक है, तो इसमें देखो M से ऊपर कितने वर्ड आ रहे हैं, सॉरी वर्ड नहीं लेटर, कितने लेटर हैं M से ऊपर, दो अक्षर है, एक और एक दो, है ना। तो M को कट कर दो, M को कट किया, और यहां पे जो M है उसके नीचे जो नंबर था 5 फैक्टोरियल उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, M के ऊपर जितने आपको लेटर दिख रहे हैं ना उनके नंबर से, दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई किया। फिर आपको प्लस करना है, प्लस क्या करेंगे, अब ये जो ओ है तो O यहां पे देखो O से ऊपर कितने आ रहे हैं, ये तो कट हो गया तो इसको काउंट नहीं करना, तो O से ऊपर एक और एक दो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे दो गुना O को, देखा ना, तो O का जो फैक्टोरियल है वो टू इंटू फोर फैक्टोरियल, और O हमने ले लिया तो O को भी कट कर दो, ठीक है। उसके बाद T, तो T से ऊपर देखो कितने आ रहे हैं, जो कट हो गए उनको छोड़ के एक दो तीन, तो T वाला जो फैक्टोरियल है उसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो प्लस लगा के, यहां पर प्लस, T से ऊपर कितने, एक दो तीन है ना, तो तीन गुणा T का जो फैक्टोरियल है तीन फैक्टोरियल, फिर प्लस लगाओ, T को हमने लिखा तो T को कट कर दो, ठीक है। T के बाद क्या है H, अब H से ऊपर क्या है, H से ऊपर एक ही है ना E, एक है, तो एक से मल्टीप्लाई करो किसको, H वाले को, H का फैक्टोरियल क्या है दो है ना, दो फैक्टोरियल, H वाला हो गया तो इसको भी कट कर दो। E की बात करें तो E के ऊपर तो कोई नहीं है, कोई नहीं है तो इसको कट करो, और E के ऊपर कोई नहीं इसका मतलब जीरो, तो क्या लिखोगे, जीरो इंटू E का फैक्टोरियल क्या है वन फैक्टोरियल, प्लस। अब R की बात करते हैं, R के ऊपर क्या है, कट गया कट गया कट गया कट गया, कुछ नहीं है मतलब जीरो, तो इसको कट कर दो, और R के ऊपर कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो क्या लिखोगे, जीरो इंटू इसका फैक्टोरियल। अगर किसी केस में आपको यहां पे नंबर मिलता है, जैसे R के ऊपर मान लो टू, ये दो बचते हैं तो टू इंटू जीरो फैक्टोरियल करते हैं, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई वन, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, ओके, तो जो रैंक आएगी वो रैंक क्या होगी,
टू मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल का मतलब फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, तो वो आएगा 120 प्लस टू मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, यानी फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू 24 प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री इंटू टू सिक्स प्लस वन मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल का मतलब टू, टू इंटू वन टू, जीरो को किससे से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा जीरो, और ये ऑलरेडी जीरो, और प्लस आपको करना होगा एक। ये एक क्यों किया, क्योंकि ये लास्ट जो वर्ड बचेगा वो मदर ही बचेगा, तो मदर वर्ड के लिए आपको एक करना है, जो जिसका भी पूछा जाए उसमें लास्ट में वन लिखना आपको, ठीक है। अब इनको प्लस करना है, तो यहां पे आएगा टू मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी, टू फोर्टी दो सौ चालीस, चौबीस गुना दो अड़तालीस, छः गुना तीन अट्ठारह, प्लस दो ये तो जीरो, प्लस लास्ट में एक है, अड़तालीस और दो पचास, दो सौ चालीस और पचास दो सौ नब्बे, दो सौ नब्बे और उन्नीस, दो सौ नब्बे प्लस उन्नीस कितना हो गया तीन सौ नौ, ये इसका राइट आंसर होगा। एक और देखते हैं, सेकंड रैंडम वाला, तो इसके लिए भी प्रोसेस वही है जो हमने मदर वाले पार्ट में किया था, रैंडम वाले में भी वही करना है। तो ये जो वर्ड है रैंडम, इसको इसके जो लेटर्स हैं इनको थोड़ा खुला लिखेंगे, आर ए एन डी ओ एम, और इधर आपको क्या करना होगा, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, अल्फाबेट अगर क्रम में देखे तो ए आएगा, तो यहाँ पे लिखा ए, उसके बाद डी आएगा, फिर क्या आएगा एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ, और लास्ट में बचा आर, ठीक है। यहां से आपको फैक्टोरियल फॉर्म में काउंटिंग करनी है, यानी जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में यहां पे आर है ना, तो आर देखो यहां पे कहां पे है, नीचे है, तो R से ऊपर काउंट करो कितने आपको लेटर मिल रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो R को कट कर दो और यहां पे लिखो फाइव मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल। R से ऊपर कितने लेटर थे, उनका नंबर कितने, पांच है, तो पांच को गुणा कर दो R के फैक्टोरियल से, तो पांच गुणा R का फैक्टोरियल पांच है। फिर प्लस, अब ऐसे ही आपको A में देखना है, तो A से ऊपर कोई नहीं है, मतलब A का नंबर क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, इसको कट करो, जीरो को गुणा करो, किससे गुणा करेंगे, एक को कट किया ना, तो एक के फैक्टोरियल से, यानी चार फैक्टोरियल से। फिर प्लस, एन के नीचे क्या है, तीन फैक्टोरियल, एन का नंबर देखो, एन से ऊपर कितने हैं, दो हैं, तो एन को कट करो, यहां पे लिखो दो, दो गुणा क्या करेंगे, एन का जो फैक्टोरियल नंबर है वो तीन फैक्टोरियल। फिर प्लस डी, अब डी देखो यहां पे, डी से ऊपर कोई नहीं है, जो था वो कट गया है ना, तो डी से ऊपर कोई नहीं है तो जीरो, इसको कट करो और यहां पे लिखो जीरो गुणा डी का फैक्टोरियल नंबर टू फैक्टोरियल। फिर प्लस ओ पे देखो, ओ से ऊपर एक बचा हुआ है एम, बाकी तो कट गए ना, तो इसका नंबर माना जाएगा एक, ओ का है ना, तो ओ को कट करो और मल्टीप्लाई कर दो ओ का फैक्टोरियल नंबर वन फैक्टोरियल। प्लस एम पे देखो, एम से ऊपर कोई नहीं बचा तो जीरो नंबर हो गया इसका, तो यहां पे लिखेंगे जीरो गुणा जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल एम वाला फैक्टोरियल है, ठीक है। इतना किया, अब आपको रैंक निकालनी है, कैसे निकलेगी रैंक, इनको सोल्व करो, फाइव मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल क्या आएगा, 120, कैसे, पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, ऐसे, ठीक है। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो, तीन फैक्टोरियल का मतलब छः, कैसे, तीन गुणा दो गुणा एक, छः हो गया, छः गुणा दो बारह, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, एक फैक्टोरियल एक होता है, एक को एक से गुणा करोगे तो एक आएगा, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, प्लस एक ये खुद रैंडम है ना, तो इसके लिए लिखा मैंने एक। अब इनको सोल्व करो, 120 गुणा पांच 600, जीरो छोड़ो 12 प्लस एक 13 प्लस एक 14, तो इसका आंसर क्या आया 614। जो थर्ड क्वेश्चन है
इसमें आपको वर्ड दे रखा है डेंजर, डी ए एन जी ई आर, तो इसमें वही प्रोसेस आपको क्या करना होगा, जो डेंजर वर्ड है इसके जो लेटर्स है उनको थोड़ा खुला लिखो, डी ए एन जी ई आर, इनको अल्फाबेट में लिखो। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो यहां पे लिखा मैंने ए, ए के बाद डी आएगा इनमें, ठीक है, डी को लिखा, फिर ई आएगा, जी आएगा, एन आएगा और आर आएगा, ठीक है। अब इनके जो फैक्टोरियल नंबर है उनको लिखो जीरो से, यहां पे राइट साइड से स्टार्ट करोगे, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल और फाइव फैक्टोरियल, ओके। अब यहां पे जो डी है वो डी देखो इधर यहां पे है ना, तो डी से ऊपर कितने लेटर है, एक है, तो एक को गुणा कर दो किससे, डी के फैक्टोरियल नंबर से, पांच फैक्टोरियल, और डी को कर दो कट, डी की कहानी खत्म। फिर प्लस, अब ए जो है एक के ऊपर देखो कितने लेटर है, एक भी नहीं है ए के ऊपर, तो जीरो हो गया, इसको कट करो और लिखो यहां पे जीरो गुणा ए का फैक्टोरियल नंबर। फिर प्लस एन को देखो, एन से ऊपर ये दो तो कट हो चुके हैं, एन से ऊपर दो है ना, तो इसको कट करो और लिखो दो गुणा तीन फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल नंबर। फिर प्लस, अब जी को देखो, जी से ऊपर कितने हैं, एक है, तो जी को कट करो, एक गुणा जी का फैक्टोरियल नंबर, दो फैक्टोरियल। प्लस ई को देखो, यहां पे ई से ऊपर एक भी लेटर बचा हुआ नहीं है, इसका मतलब जीरो, तो इसको कट करो और लिखो जीरो गुणा ई का फैक्टोरियल नंबर, एक फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस आर, आर को देखो, आर से ऊपर सारे कट गए है ना, तो इसके लिए भी जीरो, जीरो गुणा आर का फैक्टोरियल नंबर, जीरो फैक्टोरियल। अब इनको सोल्व करना है और फिर रैंक फाइंड करनी है, तो रैंक क्या आएगी, पांच फैक्टोरियल का मतलब 120, 120 गुणा एक 120, जीरो गुणा चार फैक्टोरियल जीरो, तीन फैक्टोरियल का मतलब छह, छह गुणा दो 12, दो फैक्टोरियल का मतलब दो गुणा एक यानी दो, और दो को एक से गुणा करोगे तो वाई वापस दो आएगा, जीरो को इससे करेंगे जीरो, जीरो को इससे करेंगे जीरो, और प्लस एक, एक क्यों, ये वर्ड खुद डेंजर, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, 120 12 13 14 15, 120 और 15 135। अब आपको खुद के नाम की रैंक खुद फाइंड करनी है, अपने नाम की रैंक क्या आएगी, अगर आपके नाम में जो लेटर हैं वो रिपीट ना हो उस केस में, मैंने आपको मेथड बताया, इसी मेथड से आपको सोल्व करने हैं। और अगर किसी के नाम में कोई लेटर रिपीट हो रहे हैं तो वो इन दो को सोल्व करके कमेंट करके बताएं इनका आंसर क्या आएगा, इनकी रैंक क्या आएगी। और अगर रिपीट कोई हो रहा है तो उसके लिए मैंने आपको बताया, वीडियो नेक्स्ट जो आएगी वीडियो उसमें उसका समाधान करेंगे।